हाय एवरीवन, दिस इज यशर एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। सो आज हमारे पास आई है ये मारुति सुजुकी वैगन आर कार, जिसमें पिकअप का इशू है। तो जब भी हमने कार का ट्रायल लिया तो हमें इसके पिकअप में काफ़ी कमी लगी है, एंड साथ ही साथ अंदर बर्निंग स्मेल भी आ रही थी। एंड हमने नोटिस किया कि गाड़ी रेस ज़्यादा हो रही है, एंड उसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो पिकअप होना चाहिए, वो गाड़ी में मिल नहीं रहा है। सो मेनली एक ही सस्पेक्ट इसका हो सकता है, वो है क्लच। तो अभी हम इस कार का क्लच इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमें इसका पूरा गियरबॉक्स डाउन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। तो गाड़ी का काम हमने शुरू कर लिया है। सलीम भाई पूरा क्लच का डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। अपर डिसमेंटलिंग पहले करेंगे, बाद में नीचे से हम लोग सब डिसमेंटल करेंगे। गियर ऑयल इसका ड्रेन कर लिया है, साथ साथ में इसमें सस्पेंशन का थोड़ा सा काम है। तो संकेत हमारा टेक्नीशियन इसका लोअर आर्म डिसमेंटल कर रहा है। सो इसका क्लच पूरा डिसमेंटल करने के लिए कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्स? मिनिमम 3 आवर्स। पूरा गियरबॉक्स नीचे डालना पड़ता है, इसके लिए इतना टाइम लगता है। तो अभी इसके सारे राउंडिंग के बोल्ट खोल रहे हैं हम लोग। तो ये मैं आपको लोअर आर्म का फ़र्क दिखा रहा हूँ। ये जो पुराना वाला है, इसका ये बॉल जॉइंट का पूरा बूट पूरा फट चुका है, इसके अंदर का पूरा ग्रीस भी पूरा सूख चुका है, ये पूरा फ्रीली मूव कर रहा है। अभी मैं आपको नया लोअर आर्म बताता हूँ, मारुति का जेन्यून ओरिजिनल लोअर आर्म, अच्छी कंडीशन में, इसे कटा हुआ नहीं है। इसके बुशिंग्स भी वीक होने लग गए थे, तो इसके लिए हम इसका पूरा लोअर आर्म असेंबली रिप्लेस करने का रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोनों साइड का लोअर आर्म हम रिप्लेस करेंगे। तो गियरबॉक्स डाउन करने के लिए हमें इसके एक्सेल भी डिसमेंटल करने पड़ते हैं, जिसमें हमने नोट किया कि इसका जो बूट है वो कट चुका है। तो इसका बूट भी रिप्लेस करने का हमें अप्रूवल आ चुका है। तो दोनों साइड की कंडीशन सेम है, और यहाँ से पूरा ग्रीस लीक हो चुका है। ये पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ग्रीस का स्टेन्स आ चुका है। तो अभी ये एक्सेल हम वैसे भी खोलने वाले हैं, एंड बाद में खोल के इसे क्लीन करके इसमें न्यू बूट इंस्टॉल करेंगे। सो ऑलमोस्ट सारे फिटिंग्स हमने लूज़ कर लिए हैं, राउंडिंग के सारे बोल्ट्स हमने लूज़ करके रखे हैं। अभी जैक के सपोर्ट से इंजन को होल्ड करके रखेंगे हम, एंड गियरबॉक्स को डाउन करेंगे। सो हमने इसका पूरा क्लच सेट डिसमेंटल कर लिया है। तो मैं अभी आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, प्रेजेंट कंडीशन। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ख़त्म हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुका है। ये यहाँ पे गैप होना चाहिए, राइट? तो ये पूरा लेवल में आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये इसका थ्रेड, मतलब जो डेप्थ रहता है वो ज़्यादा रहता है। ये पूरा घिस चुका है, प्लेन हो चुका है यहाँ से पूरा। हाँ, ये रिबिट तक आ चुका है। तो इसका मतलब इसका जो क्लच प्लेट है ये पूरा ख़त्म था, इसी की वजह से गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था, एंड गाड़ी रेस ज़्यादा हो रही थी। अभी हम बताते हैं प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट थोड़ा सा जल चुका है, बट हाउएवर अभी हम क्लच चेंज करें तो हमें इसका पूरा सेट ही चेंज करना होता है। तो ये प्रेशर प्लेट का कंडीशन, मैं आपको फ़र्क बताऊंगा दोनों क्लच सेट का, नए और पुराने का। सो ये नए पार्ट्स आ गए, मैं अभी आपको इसके फ़र्क बताता हूँ। इसमें देखो कितना डेप्थ है, और इसमें पूरा ये डेप्थ चला गया। ये मारुति का ओरिजिनल है, और प्रेशर प्लेट का अगर बताऊँ तो ये न्यू वन, ये ओल्ड वन। इसमें आप देख सकते हो पूरे बर्निंग मार्क्स आ चुके हैं, और ये पूरा प्लेन है। ये रिलीज बेयरिंग न्यू वन, और ये पुराना वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर ऑयल कितना लीक हो चुका है। इसका रीज़न ये है, इसका ऑयल सील, इसे हम एक्सेल ऑयल सील बोल सकते हैं, या गियरबॉक्स का ऑयल सील भी हम बोल सकते हैं। तो ये पूरा वॉर्न आउट हो चुका है, इसी की वजह से यहाँ पे गियर ऑयल लीकेज हो रहा है। तो इसे हम रिप्लेस करके लेंगे। सो इसके दोनों साइड के ऑयल सील जो है, सो आप डिफरेंस देख सकते हो पुराना ऑयल सील का कंपेयर टू द न्यू वन। अभी ये गियरबॉक्स को हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे, इसमें न्यू रिलीज बेयरिंग इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये न्यू क्लच सेट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्लाईव्हील की कंडीशन ओके थी, तो उसे हमने क्लीन करके पॉलिश करके अभी इसे न्यू फिट कर रहे हैं। तो ये क्लच फिट करते टाइम एक बात का ख्याल रखना होता है, इसका जो सेंटर रहता है उसे हमें मिलाना होता है। तो ये सेंटर मिलाने का ये जो टूल है, ये जो बीच में येलो कलर का लगा है, इससे इसका सेंटर पूरा मैच हो जाएगा।
इससे एडजस्ट करके ही हमें क्लच प्लेट को फिट करना होता है। सो गियरबॉक्स क्लीन करके इसमें हमने न्यू रिलीज बेयरिंग इंस्टॉल कर लिया है। सो अगले स्टेप में हम कार में फिर से गियरबॉक्स फिट करेंगे एंड देन लास्टली हम कार में न्यू गियर ऑयल फिल करेंगे। सो इसके एक्सेल के बूट हमने रिप्लेस किए एंड इसे क्लीन भी कर दिया। सो अभी कार का सारा काम हो चुका है, चलिए अब हम कार का फाइनल ट्रायल लेते हैं। सो अभी हम कार का रोड ट्रायल ले रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम चेक करेंगे गियर शिफ्टिंग। तो गाड़ी जगह पे खड़ी थी, हमने पहला गियर है सेकंड गियर डाल दिया है, तो कहीं भी गियर स्टक का तो ऐसा इशू नहीं लग रहा है एंड गियर स्मूथली शिफ्ट हो रहा है अभी। हाउएवर इसमें तो केबल ऑपरेटेड क्लच आता है, बट फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। विनोद भाई, क्लच पेडल कैसा लग रहा है? ओके, पहले इसका क्लच पेडल जो था वो थोड़ा हार्ड भी था। हाँ, मेनली तो गाड़ी का पिकअप बहुत ही खराब था, मतलब बहुत रेस होके चल रही थी गाड़ी, तो इसके वजह से इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा था। थर्ड गियर है एंड अभी 40 के ऊपर है स्पीड। फोर्थ गियर भी डाल के देखेंगे। तो गियर शिफ्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार गाड़ी जब हम पार्क करेंगे तो एक बार रिवर्स भी डाल के देखेंगे। तो अभी गाड़ी को रिवर्स गियर में भी डाल के चेक करते हैं हम। तो रिवर्स भी बराबर जा रहा है, कहीं गियर अटक नहीं रहा है। तो दूसरा हमने सस्पेंशन का भी इसमें थोड़ा काम किया था, तो वो भी हम इंस्पेक्ट करें। तो सस्पेंशन रिलेटेड भी कोई नॉइज नहीं आ रहा है अभी इसमें। सो कार के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, गाड़ी अभी परफेक्टली चल रही है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।